हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो हॉट चिप्स। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज पोटैटो लिया है, उसको हम पील कर लेते हैं। हमने तीनों पोटैटो को अच्छे से पील कर रही हूँ मैं। आफ्टर पीलिंग मैं इनको वॉश करूँगी। ये मैंने सबको वॉश कर लिया है अच्छे से। अभी हम एक कॉटन क्लॉथ लेंगे, उससे इसका जो वाटर है वो पोंछ लेते हैं अच्छे से इनको, जिससे ये हमारे गीले ना रहें और चिप्स में मॉइस्चर ना रहे। इसलिए हम इसको अच्छे से पोंछ लिया। अब हम इसको ये चिप्स कटर से इसके थिन स्लाइसेस करने वाले हैं। अभी हम इसके थिन स्लाइसेस करेंगे। ये 2 डिज़ाइन के बनते हैं, एक ये ऐसे रहेंगे और ये मैं दूसरे करने वाली हूँ। अभी थिन स्लाइसेस तीनों पोटैटो के हम थिन स्लाइसेस कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने सारे पोटैटोज के थिन स्लाइसेस कर लिए हैं। ये सिंपल और प्लेन है, देखिए कितने थिन हैं, ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। मैं सबको यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को हीट कर लिया है। अभी हम टिश्यू पेपर से इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है वो थोड़ा ऐसे ऊपर से शो कर लेंगे उसका मॉइस्चर। एक एक नहीं करना है, मैं ऐसे ही सबको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से 2-3 टिश्यू पेपर लेके उसका सारा मॉइस्चर ऐसे ही निकालने वाली हूँ। इससे हमारे चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, मार्केट जैसे। इन चिप्सों को बनाने के लिए ना तो हमें उबालने की ज़रूरत है ना ही सुखाने की ज़रूरत है, जस्ट रेडी टू ईट। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई ही रहना चाहिए। अगर हम स्लो करेंगे तो हमारा चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और इनको फ्राई होने के बाद हमें किसी पेपर में नहीं निकालना है, अदरवाइज़ हमारे चिप्स सॉफ्ट पड़ जाएंगे। इसलिए हमें किसी बर्तन में ही निकालें। ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं हमारे चिप्स। ये ब्राउन होने तक हमें थोड़ा सा करना है, जितना आपको ब्राउन पसंद हो। ये देखिए बहुत ही अच्छे चिप्स बने हैं हमारे। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और मार्केट में तो चिप्स से ज़्यादा हमें हवा मिलती है पैकेट्स में। और ये देखिए 3 पोटैटो से हमने बहुत सारे चिप्स बना के रेडी करने वाली हूँ मैं। इसमें फिर हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे, चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए, अब आप आवाज़ सुन सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने क्रंची बने हुए हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हैं, रेडी हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।